कल नारंग बात समझ लो, बिल्कुल सोच क्या रहा हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जवानों, मेरी नारंग बात समझ लो, कोई भी चीज कहीं पे भी ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एहतजाज में है। हमें किराए के एजेंडे से कोई सरोकार नहीं है, हम अपने नारों के साथ सुनता है, हमारा अपना वजूद है, हम अपने वजूद के साथ क्या करेंगे। और ये तादाद बताती है कि ये वजूद हमारा अपना है। आखिरी में इसी देश से मैं भाषण कर रहा हूँ। हर सिंह तो मचलती किरणों ने अब खून सबे कम तोड़ दिया, अब जाट उठे है दीवाद दुनिया को तबाह कर सकते। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी है तलवार भी है। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी है तलवार भी है। क्या पद में जहाँ बहकाएंगे ये खून में नहा कर सकते। सोचा है अब कुछ भी हो हर हाल में अपना हक देंगे, इस तक दिए खुशी देंगे, पर मैं जब शहादत मिल जाएगी। वुमेन्स कॉलेज स्प्रिंग यूनियन के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी यहां मौजूद है, साथ ही साथ और भी तमाम हमारी बहनें मौजूद है। मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इस लड़ाई में हम लोग और आप लोग अकेले नहीं है। इस लड़ाई में आज यूनिवर्सिटी से हमारे पास अभी तक सपोर्ट आ चुका है और वहां भी प्रोटेस्ट चल रहा है। मैं एक यूनिवर्सिटी से नाम लूंगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जादवपुर यूनिवर्सिटी कलकत्ता, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ, एंड लास्ट मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद। कुछ यूनिवर्सिटी से और दोनों सेंटर जो सेंटर्स हैं हमारे, वहां भी इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया और साथ ही साथ लोग यहां आने के लिए तैयार भी हैं दूसरी यूनिवर्सिटी से। तो मैं आप तमाम लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि रेसिस्टेंस को कंटिन्यू करें, संघर्ष जारी रखें। ये लड़ाई बहुत लंबी है और उस लड़ाई को जितना आगे ले जाएंगे हम, इंशाल्लाह उतना बेहतर रिजल्ट होगा। जो हमारी डिमांड है वो बहुत क्लियर है और बहुत ज्यादा बड़ी डिमांड भी नहीं है। अगर ये लोग चाहे तो पूरा कर सकते हैं फौरन। पहली डिमांड हमारी कि ये जो आरएसएस, वीएचपी, एबीवीपी और बीजेपी के लोग और हिंदू महासभा के लोग जो कैंपस में इन्होंने घुसने की कोशिश की और इन लोगों ने जिस तरह से पिस्तौल, कट्टा, तमंचा यहाँ पर आके लहराया और सिक्योरिटी गार्ड को यहाँ पे डराया, इनके खिलाफ FIR हो और इनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। इनके खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का मामला दायर हो, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है 2:30 बजे का वक्त था कल का, जब यहाँ पे इन लोगों ने कैंपस में घुसने की कोशिश की और आपके ठीक सामने गेस्ट हाउस है, 100 मीटर भी दूर नहीं है। मैं वहां पे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और उनकी वाइफ के साथ वर्क कर रहा था इसी लॉन में, जब यहाँ पर हंगामा हुआ। फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया AMU कैंपस के अंदर थे उस वक्त, इन लोगों ने कैंपस में घुसने की कोशिश की, ये लोग उनके ऊपर भी अटैक करना चाहते थे, हम इसको कंडेम करते हैं और साथ ही साथ ये बताना चाहते हैं कि इनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का मुकदमा लगे, क्योंकि फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट जेड सिक्योरिटी के प्रोडक्ट ही है। और हम यहाँ की सरकार से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से एक सवाल पूछते हैं और वो सवाल यह है कि ये गुंडे जो आए आ रहे थे हिंदू महासभा के गुंडे, आपकी पुलिस ने उनको स्कॉट किया, उसका वीडियो भी मौजूद है हमारे पास। लेकिन जब हम लोग पीसफुल डेमोक्रेटिक वे में यहाँ से सिविल लाइन थाना अपनी FIR दर्ज कराने जा रहे थे तो हमें बार बार रोका गया और हमने उसको रिजिस्ट किया। मैं आपको बताऊं, जब कुछ नहीं बचा तो मैंने ये कहा कि मुझे गिरफ्तार कर लो, अगर तुम उनको गिरफ्तार नहीं कर पाते हो तो। उसके बाद इनकी चालाकी देखिए, यूनिवर्सिटी सर्किल से जैसे ही हम लोग हुए लेफ्ट साइड की तरफ, उनको समझ में आ गया कैंपस के धारा थोड़ा दूर हो गया, फौरन गोलियां चलाई RAF के 2 जवानों ने। और मैंने पूछा कि गोलियां क्यों चलाई, तो उनका ये कहना था, बताता हूं,
और फौरन डंडा उठाया और डंडे से मेरे चेहरे पे पहले तो मेरा मोबाइल तोड़ा ताकि किसी से कॉन्टेक्ट कर पाऊं, फिर मेरे चेहरे पे वार किया, मेरे गले पे वार किया, गले पे वार किया, मेरे सर पे वार किया, तब भी मैं नहीं गया। उसके बाद इन्होंने मेरे पैर पे मारा, फिर उसके बाद मैं वहीं पर गिर गया, बेहोश हो गया। डेढ़ घंटे बाद मैंने ये देखा कि मुझे डिटेन करके ये लोग जिला अस्पताल ले गए। कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, कोई ट्रीटमेंट नहीं। फिर मैंने इसे सवाल किया कि यहां क्यों लेके आए, जेएमसी लेके क्यों नहीं गए? तो इनका ये जवाब, यहां भी तो ट्रीटमेंट होता है। मैंने कहा मुझे रेफर करो। फिर इन्होंने एक चालाकी दिखाई, मुझसे एक रिटर्न में स्टेटमेंट लिखवाया और वो ये स्टेटमेंट लिखवाया कि आप लिखे कि आपको ट्रीटमेंट यहां नहीं चाहिए। मैंने लिख दिया, आई डोंट नीड एनी ट्रीटमेंट इन दिस हॉस्पिटल। लेकिन आगे एक लाइन मैंने भी जोड़ दी, क्योंकि मैं भी मेडिकल साइंस के स्टूडेंट हूं। सीएमएस आते हैं और वो मुझे कानून बताने लगते हैं। मैंने कहा किस हैसियत से बात करूं, डॉक्टर भी हूं और नेता भी चुन लिया लोगों ने। अगर नेता की हैसियत से बात करूंगा तो हॉस्पिटल छोड़ना पड़ेगा आपको, और अगर ऐसे डॉक्टर बात करूंगा तो फिर कानून मत बताइएगा, हमें ही कानून आता है। मैंने एक लाइन और जुड़ी, इसके बाद पहली लाइन ये लिखी, आई डोंट नीड एनी ट्रीटमेंट इन दिस हॉस्पिटल। फिर ये लिखा, काइंडली रेफर मी टू जेएनएमसीएच, ताकि ये प्रूव हो जाए कि किसी वजह से मैंने यहां ट्रीटमेंट नहीं किया। और मेरे साथ दो लोग और थे जिनको डिटेन करके ये लोग वहां ले गए। एक घंटे तक पूरी यूनिवर्सिटी को मालूम नहीं चला कि उसके स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट कहां गायब है। ये शर्म की बात है। और सारे लोग परेशान रहे एक घंटे तक। एक घंटे के बाद बताया गया, दो चीज बता रहा हूं इसमें। मेरा मोबाइल मेरे एक दोस्त के पास था, मेरे दोस्त ने एसपीसीटी को कॉल किया, एक मोबाइल तो तोड़ दिया, छोटा वाला मोबाइल एक दोस्त के पास था, उसने एसपीसीटी को कॉल किया और कॉल करके पूछा कि वेयर इज द प्रेसिडेंट। उसने पूछा कौन बोल रहे हैं, उसने कहा मैं उनका छोटा भाई बोल रहा हूं। जवाब यह आता है, उनका मोबाइल दे दो हमें, हम लोग भारत देश के आगे खड़े हैं, जल्दी आगे दे दो, वो मांग रहे हैं मोबाइल। कितने शर्म की बात है, इस तरह से धोखा दिया। उसके बाद ये देखिए इस तरह की हरकतें इन्होंने। मैंने ट्रीटमेंट क्यों नहीं लिया था मैं बता दूंगा आपको। मेरे साथ अल्फारिश नाम का एक लड़का, जिसको पूरी तरह से पुलिस ने अटैक किया और वो जख्मी था, चाहे कोई यहां होगा अभी, कहां है अल्फारिश, आप खड़े हुए एक बार दिखाइए लोगों को किस तरह से अटैक किया। आप लोग तालियां बजा के इसकी हिम्मत को सलाम कीजिए। ये वही लड़का है, सबसे पहले मेरे ऊपर लाठीचार्ज हुई और दूसरे लाठीचार्ज वाला यही लड़का है। और जब इसका ट्रीटमेंट चालू हुआ तो इसको इंजेक्शन लगा रहे थे। मुझे भी बहुत ज्यादा होश नहीं था, मैंने तो बस मना कर दिया, लिख के दे दिया। लेकिन इसका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट था ये था कि इसको 8 घंटे के लिए बेहोश कर दिया जाए, और वाकई इसको बेहोश किया गया। जब ये जेरन से आया तब भी इसको होश नहीं आया। रात के 3:30 बजे जब मैं सोने जा रहा था हॉस्पिटल में, हम लोग सब मेरे बराबर वाले बैठते हैं, ये 3:30 बजे जब मैं सोने जा रहा तब इसकी नींद खुली है। ये मेरे साथ ही वही करना चाहते थे, इस तरह का उन्होंने ट्रीटमेंट किया, इसीलिए मैंने ट्रीटमेंट देने से मना किया। मैं आप तमाम लोगों से फिर से गुजारिश कर रहा हूं कि आप लोग इस चीज को सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर डालिए, स्टैंड विद एएमयू और संघ फ्री इंडिया दोनों का इस्तेमाल कीजिए ताकि संघ से मुक्ति मांगे। #के साथ अभी इस बात